Mukul da idha baith. Mukul da, you come here. बैठो ठीक है ठीक आइए इधर प्लीज कम यार उनको बैठा लो संजय उनको भी बैठा लिया कलकत्ता वाले मित्रों अपने बीच जयप्रकाश मजमूदार जी हैं मित्रों लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में देश के कोने कोने से लोग उनके विकास कार्यों को अमित शाह जी और माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रति अपनी सहमति प्रदान करते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं साथ ही वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर वैशाखी बनर्जी जी अपने बीच हैं एक रसादर अनुरोध है माननीय अरुण सिंह जी से कि सर्वप्रथम सोभेन चटर्जी जी को सदस्यता पत्र देकर पार्टी का सदस्यता प्रदान करें माननीय अरुण जी मेरा सादर अनुरोध है डॉक्टर वैशाखी बनर्जी जी से कि आप भी आए इधर आ जाइए दोनों अभी कौन हो भाई चलो एक मिनट वैशाखी जी इधर ही आ रहे हैं हाय दादा बीच में 10 बजे दादा बीच में फोटो तो आप हो गया चलो अब दादा बोले पहले आप बोलिए माननीय अरुण सिंह जी हमारा राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरविंद मेनन जी बंगाल का जो सह प्रभारी है उसका उपस्थिति में आज बंगाल का एक पॉलिटिक्स का राजनीति का एक बड़ा हस्ती सोवन चटर्जी उस सोवन चटर्जी 34 वर्ष से कोनो ना कोनो प्रताप साइड से वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है अभी तक है वो बंगाल का कोलकाता कॉरपोरेशन 5 कॉरपोरेशन है भारत के अंदर जिसका अलग गुरुत्व है ये कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वो सोवन चटर्जी वो मेयर थे सोवन चटर्जी बंगाल गवर्नमेंट का मंत्री था तीनों दफ्तर संभालाया अभी तक सोवन चटर्जी एमएलए है देखिए बंगाल में ये आप लोग सब जानता है बंगाल में एक समय में जिस तरीका से लेफ्ट बैकलास हो रहा है उसमें वो पिटाई भी हुआ है उसका लाइफ भी स्टेज में चला गया और ये तृणमूल ममता बनर्जी बंगाल का चीफ मिनिस्टर होने के लिए जिसका जिसका कंट्रीब्यूशन थे इसमें सोवन चटर्जी का बहुत बड़ा योगदान थे ये ममता बनर्जी अस्वीकार कर रहा है लेकिन सोवन चटर्जी भाजपा में आने से भाजपा का श्रीवृद्धि होंगे और ये आप सोच लीजिए जो कोलकाता कॉरपोरेशन तो भाजपा जीतेगा ही जीतेगा और बंगाल जो होने वाला विधानसभा चुनाव है ये चुनाव में
हम रिपीट कर रहा है जे ममता का पार्टी ऑपोजिशन स्टेटस मिलेगा नहीं। हमारा साथ संजय मोहित जी है, वो इधर में कोई प्रेस होगा क्या होगा, संजय जी बिना कोई काम होता नहीं। संजय जी हमारा भाजपा जन भाजपा जो परिवार है उसका बहुत बड़ा मित्र है। संजय जी के साथ उधर में जयप्रकाश है, जयप्रकाश हमारा बंगाल का बिंड का बंगाल बीज भाजपा को उपाध्यक्ष हो गया और एक ज्वाइन कर रहा है, यह है डॉक्टर बैशाखी बनर्जी। सी इज ए एजुकेशनिस्ट, सी इज द प्रिंसिपल एक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज, सी वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ तृणमूल कांग्रेस फॉर द प्रोफेसर्स एसोसिएशन, सी इज वेरी मच अटैच टू द इंटेलेक्चुअल वर्क ऑफ द तृणमूल कांग्रेस। सो बैशाखी बनर्जी तृणमूल छोड़ के भाजपा में आने से ये किया होगा जे एक तो इंटेलेक्चुअलिज्म जो हमारा है वो थोड़ा स्ट्रेंथन होंगे, उसके साथ साथ वो एक्टिविस्ट है, वो एक्टिविस्ट होने से नाते बैशाखी बनर्जी हम लोग से जुड़ने के लिए भाजपा का बहुत ताकत बढ़ेगा। तो हम लोग सब मिलके बैशाखी जी को स्वागत कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए हमारा वो छोटा है हमारा से सबसे सब ये मिलेगा। तो आज बंगाल से ये एक बड़ा दिन है भाजपा के लिए। सोवन चटर्जी इज ए नेम इन द बंगाल पॉलिटिक्स, ये आप कोई तरीका से अस्वीकार करने के नहीं सकेगा। तो मोदी जी का जो रेगुलर जो काम हो रहा है इसमें आकृष्ट होके भाजपा से आ रहा है सोवन, सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास, और उसके बाद गवर्नमेंट में आने के बाद एक के बाद के एक सावन महीना में 3 सोमवार बिका है। पहले समय में चंद्रोजान छुड़ा, नेक्स्ट सोमवार में क्या हुआ ट्रिपल तलाक हुआ, नेक्स्ट सोमवार में क्या हुआ नेक्स्ट मंडे में क्या हुआ 370 हुआ है। ये भारत के अंदर राज्य के अंदर ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज ये सब सुन के सोवन आया है, ज्वाइन किया है, इसलिए भाजपा का डेफिनेटली स्ट्रेंथन बढ़ेगा। और कलकत्ता कॉरपोरेशन अब आज ही बोल रहा है जो कलकत्ता कॉरपोरेशन ममता चुनाव करेगा कि नहीं करेगा उसका ऊपर है, लेकिन चुनाव करेगा तो हम लोग रेडी है, और कलकत्ता कॉरपोरेशन ममता हार जाएगा, और उसके साथ साथ आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पर, अमित जी का नेतृत्व पर, नड्डा जी का नेतृत्व पर, ये आप लोग लिख लीजिए, ममता का पार्टी 30 मिलेगा नहीं, ऑपोजिशन स्टेटस मिलेगा नहीं। नमस्ते। ठीक है सुमन जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जो नेतृत्व है, जो उनका स्वभाव है, जो उनका कार्यशैली है, जो उनकी शासन प्रणाली है, उससे लोग नाराज हैं, हताश और निराश हैं। वहीं पे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी से प्रभावित होकर के, माननीय नड्डा जी से मिल करके, या भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर के, विचारधारा से प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर दिख रही है। लोकसभा में भी देखी, आने वाले समय में जैसा मुकुल दा ने कहा, जब भी कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे, जब भी ममता दीदी कराएंगी, वह जो कलकत्ता महान जो कॉरपोरेशन का चुनाव होगा वह भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जब वहाँ पे के वहाँ के मेयर पहले रहे और विधायक वही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए तो वहाँ पे जीत भारतीय जनता पार्टी की पक्की है, और अधिक संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और आने वाले समय में और लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे आएंगे, ज्वाइन करेंगे। मैं
आप दोनों महान भाव जो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, कार्यालय में स्वागत करता हूँ। अब जी बहुत बहुत हाँ, दोनों लोग जो अपने वैशाखी बनर्जी जी और सोहन चटर्जी जी, दोनों लोगों का हार्दिक अभिनंदन है अपने पार्टी में। जो पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी, अब आपकी भी पार्टी होगी, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिलोंगिंग इन द तृणमूल कांग्रेस, आई टेकन चार्ज ऑफ इन सेवरल पार्ट्स। At that very time, I have raised all those questions. Why in the panchayat election, the opposition party did not allow to fight the election to file their nomination? And I raised this point to the appropriate situation in an appropriate place. So that's why in the democratic process, there may be so many political party. But the Bharatiya Janata Party, how they are ruling, they are already elected in a high majority in the last election also, under the bold leadership of Narendra Modi ji and BJP President Amit Shah ji. Definitely, we definitely process in that way, that it should not be disturbed by enemies, because they are taking so many bold steps to strengthen not only the party, but the country and the people of the nation. So I think so, this is, will be from my part or from our part, is a is a first class educationist, and Dr. Boishakhi Banerjee also along with me, we are supposed to support like these things, that there should not be allowed any negative politics in this juncture of the nation's politics. बहुत बहुत धन्यवाद।